हेलो दोस्तों, अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप पंजाबी बाग भारत दर्शन पार्क। दोस्तों आपको नाम से पता चल रहा होगा भारत दर्शन पार्क। यहाँ पर आप इस भारत के जो भी काफ़ी जो भी हिस्टोरिकल प्लेस है उन सबका विजिट आप इसी पार्क में एक साथ कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, पहले लेते हैं टिकट और फिर चलते हैं अंदर। लेने चलते हैं। टिकट ले लिया मैंने, ये हमारी टिकट। पर पर्सन आपको 150 रुपये की एक टिकट पड़ेगी। चलते हैं चलते हैं, अंदर आइए। पहले दोस्तों एंट्री ले लिए, चलते हैं अंदर देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे। क्या दोस्तों, इस पार्क की मैं एक आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता दूँ। यहाँ पे जितने भी यहाँ पे टोटल 21 मोनूमेंट्स हैं, और जितने ही मोनूमेंट्स यहाँ पे दिखेंगे आपको वो इंटायरली स्क्रैप मेटल से बने हुए मिलेंगे। वाओ! कोई भी जो जितने थे आप सामने मेटल देख रहे हैं गेटवे ऑफ इंडिया का, ये टोटली एंटायरली वो स्क्रैप मेटल से बना हुआ है। दोस्तों चलते हैं इस गेटवे ऑफ इंडिया के अंदर। जैसे कि आपने दोस्तों, मैंने पहला मॉन्यूमेंट दिखाई दिया है गेटवे ऑफ इंडिया, जो कि काफ़ी अच्छा है। और चलते हैं आगे, देखते हैं और क्या क्या मॉन्यूमेंट्स यहाँ पर हैं। तो ये हमारा आगे, ये तो नहीं, क्या इसका क्या नाम था, इसका पता नहीं क्या नाम है। आगे चल के देखते हैं क्या नाम है इसका, जम्बू तो आगे जाके पता चलेगा ना। जो भी कुछ है, गर्मी बहुत है दोस्तों, टेम्परेचर अभी रात जाएगी तब से अच्छा लगेगा। देखिए दोस्तों आप आगे का वो, आपको वहाँ कुतुब मीनार भी दिख रहा होगा। हाँ, नकली का असली नहीं नकली नाम क्या है इसका, चार नाम दिखते हैं। चलो पहले दोस्तों पढ़ते हैं इस बारे में क्या चीज़ है, फिर इसको आपको दिखाऊंगा क्या है। व्हाट बनियन ट्री दोस्तों, बनियन ट्री देख लो दोस्तों कैसा है। ये सेकंड फ्लोर काफी अच्छा लग रहा है वैसे देखने में। हेलो, चलते आ गए अबे। दिस प्लेस इज बेटर फॉर कपल। क्या 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 ये तो है, ये दोस्तों हवा महल राजस्थान में स्थित। खिड़कियों का जालीदार इतिहास। अगर आप यहाँ रात में आएंगे ना तो यहाँ पे इतनी बढ़िया लाइटिंग होती है, आपको देखने में मतलब मजा आ जाएगा एकदम। चलते हैं आइए आगे। ये दोस्तों गोल गुंबज, ये पीछे जो आप देख रहे हैं वो गोल गोल गुंबज। हाँ आइए चलते हैं देखते हैं कुतुब मीनार। पीछे है कुतुब मीनार, व्यू लीजिए और मजे लीजिए। दोस्तों ज़्यादातर इस पार्क में हम ही दोनों हैं जो मतलब इस एज के हैं, वरना ज़्यादातर यहाँ पे फैमिलीज आई हैं। तो साला ये दुख का ख़त्म नहीं होता बे। दोस्तों कुतुब मीनार के बाद अब है नालंदा, जो कि कुछ ऐसा है। अरे एक आंटी से जंतर मंतर बता रही थी गजब बेइज्जती है।
नालंदा को घंटी जंतर मंतर होता है। खैर कोई नहीं, देख लीजिए नालंदा, चलते आगे। यार बहुत बड़ा है यार, घूमते घूमते पागल हो गए। ये दोस्तों दिख रहा है ना, मैंने बताया अभी, टेंपल ये मीनाक्षी टेंपल। कौन सा टेंपल है? जगन्नाथपुरी। इसको ये तो दोस्तों काफ़ी फेमस है, आप लोग जानते भी होंगे। जगन्नाथपुरी ओरिजिनल MCD। पहले से पहले रियलिटी में ऐसा है ना। हाँ, महाबत पहले से ही, पर MCD वालों का ये रहा। वर्किंग प्रोग्रेस मतलब बन रहा है अभी है। तो दोस्तों आप बताता हूँ, आप सिर्फ इसको बाहर से देख सकते हैं, अंदर जाने की एंट्री आपको अलाउ नहीं है। घंटी बजाते हुए किस, जहाँ पे जो मंदिर है ना, टेंपल है, उसी के पास दोस्तों घंटी को भी इंस्टॉल करा। नहीं, पूरा पूरा फील लेने के लिए जस्ट लाइक आप टेंपल ही घूम रहे हैं। जो कि दोस्तों बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है, वो काफ़ी फेमस भी है, रियलिटी में ऐसा है और MCD का ऐसा है। मारते हैं इसका एक चक्कर और देखते हैं क्या है। दोस्तों इसमें टोटल 4 गेट्स है, वो हाँ 4 गेट्स है टोटल, एक दो दस। अगर दोस्तों इसको रियल में देखना चाहते हैं तो आप भोपाल जा सकते हैं, भोपाल में है ये, आपको वहाँ पर रियलिटी का देख सकते हैं। दोस्तों आप जो गेट दिख रहे हैं ना, अगर रियल में देखेंगे तो ये नॉर्मल गेट नहीं है, इसमें इन गेटों के ऊपर काफ़ी हिस्ट्री को लिखा गया है। फैमिली के साथ आए, आपके बच्चे उच्चे हैं तो यहाँ पे राइड्स भी अवेलेबल हैं, पर हमारे मतलब कुछ नहीं है। देखो ये रहा, 2 झूले अवेलेबल हैं बच्चों के लिए, हमारे लिए नहीं है। टिकट प्राइस स्विंग बोट राइड पर पर्सन 100 रुपीज़, 100 रुपये दोस्तों। क्या मजा है इसमें, कुछ मज़ा नहीं आएगा, सिर्फ 2 ही झूले हैं। कैंटीन दोस्तों, एक ये रेस्टोरेंट है यहाँ का, आप यहाँ पे खाना पीना खा सकते हैं अगर आपको भूख लगी है। हाँ, वैसे लग नहीं रहा रेस्टोरेंट है बट काफ़ी अच्छा है। बिलिंग काउंटर सीटिंग अरेंजमेंट किस, ये कुर्सी है यहाँ की, स्कूटर को कुर्सी बना रखा है, काफ़ी अच्छा मतलब इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। आप इसको समझ रहे हैं कि छोटा मोटा हो, घूम लेंगे आएंगे एक घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, छोटा मोटा पार्क नहीं है, बहुत बड़ा पार्क है। और अगर आप जैसे हम दोनों आए हैं तो मज़ा नहीं आएगा, बट आप कपल के साथ आए तो उससे आपके लिए थोड़ा बेस्ट हो जाए। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोंडा। तो वो है ना, वो अबे वो बोतल दो, पैसे दो, वही है ना, लगता है ऐसे कुछ रहा है। खैर अभी तो ख़राब हो रखा है मेरे ख्याल से, बट है वही दोस्तों जिसमें पैसे बोतल डालते हैं तो आपको पैसे मिलते हैं या मतलब कोई कूपन ऊपन मिलता है। खैर अभी तो मशीन ख़राब है बट कोई बात नहीं, चलते हैं आगे। सिग्निफिकेंट मोमेंट विक्टोरिया क्वीन, उससे क्वीन विक्टोरिया का विक्टोरिया पैलेस ओरिजिनल MCD MCD बोलना जरूरी है, मतलब बाहर दर्शन पार्क मतलब MCD के द्वारा यार बनाया गया है ये दोस्तों विक्टोरिया पैलेस। खैर
उसको तो देख नहीं पाया, उसका पहले से देख लिया। दोस्तों यहाँ पे है ताजमहल और मैसूर पैलेस, आ जाओ देखेंगे कैसा है। तो गाइस आप जानते ही हैं दुनिया का सबसे एक अजूबा, सातवां अजूबा, सातवां ताजमहल हमारे आगरा में स्थित, आगरा उत्तर प्रदेश। ओरिजिनल लिखा, ओरिजिनल एमसीडी एमसीडी। और भी कुछ है क्या? नहीं है यहाँ पे वो पीछे ताजमहल। अगर आप आगरा नहीं जा सकते तो दिल्ली, यहाँ पे पंजाबी बाग आ जाओ। चार मीनार, कोणार्क टेम्पल, अजंता एलोरा, ठीक है, खजुराहो टेम्पल और एग्जिट गेट। एग्जिट मेन मोर इम्पोर्टेंट गेट, ये है हमारा हैदराबाद का मशहूर चार मीनार। हैदराबाद तेलंगाना, हैदराबाद की बिरयानी फेमस है ना? ये फेमस किस लिए है मेरे को पता? बिरयानी उसको कमेंट में अगर बताना, ये फेमस किस लिए चार मीनार? मेरे को लगता है बिरयानी के लिए, कोई हिस्ट्री से हमारे रिलेटेड है या क्या है मेरे को पता नहीं, किसलिए फेमस है आप कमेंट में जरूर बताएं। आप कितने आ रहे हैं? ये है मेरे साथी स्लीपिंग बुद्धा। स्लीपिंग बुद्धा छोड़ो, ये क्या है ये देखो, ये रहा अजंता और एलोरा। ये दोस्तों एलोरा की गुफाएं, आपने सुना होगा इसके बारे में। इसके बारे में दोस्तों आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, मतलब जो इसको बनाने वाले जो वर्कर्स थे उनको भी ये यकीन नहीं हो रहा था कि हमने पहाड़ को काट के ये मतलब एक मंदिर कैसे बना दिया। तो सोच सकते हो आज के पास हमारी इतनी एडवांस मशीन होकर भी हम इतनी पहाड़ को नहीं काट सकते, लेकिन उस टाइम पे बताओ वर्कर ने अंदर भी ऐसे ऐसा बना दिया। अगर आपको जूम करके दिखाऊं तो अंदर कुछ इन लोगों ने लगा रखा है, आ जाओ और देखते हैं क्या कवर करना बाकी है और क्या नहीं। दोस्तों आज का व्लॉग यहीं पर कवर होता है, मैंने सारी वीडियो में सब कुछ कवर कर दिया है। मुझे जरूर बताना तुम सब लोग कहाँ का बनाऊँ। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।